everyone. So good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So today's topic about pH. pH क्या होता है? pH means negative logarithm of hydrogen. जो pH होता है, pH हम क्यों चेक करते हैं? pH कैसे चेक करते हैं? pH की application क्या है? उसका principle क्या है? Arrhenius equation के according क्या बोलता है? So ये हम आज के इस topic में पढ़ेंगे. So let's start. pH अरेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम पढ़ेंगे. तो अरेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये क्या बोलता है, रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर फॉर मैनी फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन. कोई भी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन में जो रिलेशन होगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के बीच का, उस वो बोलता है आपका अरेनियस इक्वेशन की रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड टेम्परेचर फॉर मैनी फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन. अब बात करेंगे पीएच की. तो पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. पीएच होती है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. देखो बात करेंगे पोटेंशियोमेट्रिक पीएच मीटर की. जो आपका पोटेंशियोमेट्रिक पीएच मीटर होता है उसका काम क्या है, मेजर करता है वो वोल्टेज, किसके बीच की वोल्टेज, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स की. दो इलेक्ट्रोड होते हैं आपके पीएच मीटर में, उन दो इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड्स के बीच के बारे में जो उसकी वोल्टेज होती है उसको मेजर करते हैं एंड डिस्प्ले करेगा वो अपना रिजल्ट कन्वर्टिंग इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग पीएच वैल्यू. एप्लीकेशन क्या है आपके पीएच मीटर की, टू आइडेंटिफाई द पीएच ऑफ ए आरएलडी एंड आरएस. जो आपका आरएलडी और आरएस है उसकी पीएच जो होती है उसको आइडेंटिफाई करेगा. टू डेवलप अ पीएच डिपेंडेंट प्रोडक्ट लाइक क्रीम हो गई, सिरप हो गया, आई ड्रॉप हो गई, इंजेक्शन हो गए, इन सब का क्या करेंगे हम, इसके डेवलप करेंगे पीएच डिपेंडेंट प्रोडक्ट ये जो होते हैं उनकी पीएच चेक करते हैं. टू रूटीन चेक ड्यूरिंग प्रोडक्ट ऑफ पीएच डिपेंडेंट प्रोडक्ट. जो पीएच डिपेंडेंट प्रोडक्ट होंगे उनकी भी हम रूटीनली चेक करते हैं उसका भी पीएच. टू चेक डिसोल्यूशन मीडिया. जब भी आप डिसोल्यूशन मीडिया बनाते हो डिफरेंट पीएच पर बनाते हो उस टाइम भी आपको पीएच चेक करना पड़ता है. तो ये एप्लीकेशन होती है आपके पीएच मीटर की. अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल के ऊपर कि कैसे वर्क करता है आपका पीएच मीटर. जो आपका पीएच मीटर होता है वो प्रोव से मिलकर बना होता है. पीएच मीटर इज मेड अप ऑफ प्रोव. प्रोव पासिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल. जो प्रोव जो होती है, प्रोव्स का काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करना आपके मीटर में, विच डिस्प्ले द रीडिंग इन पीएच यूनिट. फिर अगर क्या करेगा, अगर वो आपकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करेगा आपका मीटर है ना, तो तभी जाकर के वो डिस्प्ले पर शो करेगा रीडिंग. द ग्लास प्रोव हैज टू इलेक्ट्रोड. जो ग्लास प्रोव होता है उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, बिकॉज वन इज जो एक होता है वो ग्लास सेंसर इलेक्ट्रोड होता है और जो दूसरा होता है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है. मैंने बताया दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक आपका ग्लास सेंसर इलेक्ट्रोड हो गया और सेकेंड हो गया आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड. जो कुछ पीएच मीटर डू हैव टू सेपरेट प्रोब्स होती हैं, कुछ की दो सेपरेट प्रोब्स भी होती हैं. इन विच केस इसमें भी क्या होता है, जो वन वुड बी द सेंसर इलेक्ट्रोड एंड अदर द रेफरेंस पॉइंट. ये दो सेंसर लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं. ये जो आपके दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं ये खाली होते हैं, हॉलो बल्ब्स होते हैं कंटेनिंग अ पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन. जो पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन कंटेन करेंगे विद अ सिल्वर क्लोराइड वायर, और उसमें एक सिल्वर क्लोराइड वायर होगी जो इसके अंदर जो होती है, अंदर होती है सिल्वर क्लोराइड वायर लगी होती है सस्पेंडेड इन टू इट, लिखा है ना. तो द ग्लास सेंसिंग इलेक्ट्रोड. जो ग्लास सेंसिंग इलेक्ट्रोड होगा हैज अ बल्ब मेड अप ऑफ अ वेरी स्पेशल ग्लास कोटेड विद सिलिका एंड मेटल सॉल्ट. जो ग्लास सेंसिंग इलेक्ट्रोड होगा वो एक ऐसा बल्ब होता है, वो भी एक स्पेशल ग्लास कोटेड एक सिलिका होती है उससे मिलकर बना होता है या मेटल सॉल्ट से मिलकर बना होता है. दिस ग्लास सेंसिंग इलेक्ट्रोड मेजर द पीएच. ये जो आपका ग्लास सेंसिंग इलेक्ट्रोड होता है, मैंने बताया ना दो सेंसर होते हैं, एक रेफरेंस और एक ग्लास सेंसर इलेक्ट्रोड. ये जो ग्लास सेंसर इलेक्ट्रोड होता है ये मेजर करेगा आपकी पीएच की कंसेंट्रेशन को. जो पीएच कंसेंट्रेशन होती है आपके हाइड्रोजन आयन्स की, उसको सराउंडिंग द टिप ऑफ द थिन वॉल्ड ग्लास बल्ब. तो ये होता है आपके जो ग्लास सेंसर इलेक्ट्रोड होता है वो मेजर करेगा आपकी पीएच. पीएच चेक करेगा मतलब आपके हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन चेक करेगा. आप जब उसको डिप करोगे उसमें ग्लास में तो क्या करेगा वो आपकी, देखो ये लिखा है ना सराउंडिंग द टिप ऑफ द थिन वॉल्ड ग्लास बल्ब. फिर तब जाकर के आपकी जो पीएच मीटर है वो पीएच आपके डिस्प्ले पर पीएच शो करेगा कि ये जो आपका प्रोडक्ट है ये जो भी आप उसमें पीएच किसी भी चाहे वो कोई मीडिया हो गया, डिसोल्यूशन मीडिया हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी मीडिया चेक करोगे तो वो आप उसमें चेक कर सकते हो. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बोलें. थैंक यू.